कार्डिक अरेस्ट या हार्ट अटैक की वजह से आँख हाल लिया कर जा रहे होते थे, तो ये जो करीमाबाद का जो रास्ता है, अगर जो रात 12 बजे यहाँ से कोई मरीज़ जा रहा है तो उसका इतना मसला नहीं था, मगर जो शाम वाला मरीज़ है, जो दोपहर वाला मरीज़ है, तो वो इस जगह से गुजर नहीं सकता था। यहाँ ऐसे काफ़ी मरीज़ हैं जिनकी अमवात हो चुकी हैं एम्बुलेंस के अंदर, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जैम रहता था, और ट्रैफिक इतना जैम होता था कि यहाँ लोग 10-10 मिनट 20-20 मिनट खड़े रहते थे गाड़ियों में। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मेयर कराची साहब ने वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की विजनरी फोकस को देखते हुए यहाँ इनिशिएटिव लिया और अंडरपास को जो एक संग बुनियाद है वो रखा। यकीनन लोगों को यहाँ परेशानी है, बशमूल यहाँ के लोगों की, यहाँ के दुकान वालों को कारोबार भी काफ़ी जो है मुतासिर हुआ है, मगर ये बात फैक्ट है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। यकीनन जब अंडरपास बन जाएगा तो वो लोग जो कि नाजमाबाद से जाना चाह रहे हैं गुलशन इकबाल और जो जाना चाह रहे हैं आ खान लियाकत नेशनल अस्पताल, उनके लिए काफ़ी आसानी का मामला हो जाएगा और 15 से 20 मिनट या 25 मिनट उनकी टोटल ट्रैवलिंग टाइम में बच जाएगा। अगर मैं करीमाबाद के अंडरपास की बात करूँ तो करीमाबाद के अंडरपास 3 मरहले में बन रहा है। पहला मरहला कराची की करीमाबाद के पास हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट के पास है काका भवानी और मेमन फाउंडेशन, वहाँ चौरंगी बनी हुई जिसका नाम काका भवानी चौरंगी है। उसके बाद से उस्मान मेमोरियल के फ़ौरन बाद से ये अंडरपास स्टार्ट हो रहा है पहले मरहले में, और जो पहला मरहला है वो ख़त्म हो रहा है मीना बाज़ार पर, और मीना बाज़ार के बिल्कुल सामने जहाँ ये दरख्त लगा हुआ है यहाँ खुदाई नहीं होगी, खुदाई सिर्फ और सिर्फ इस ठेले तक होगी और नीचे सुरंग नुमा बन के अंडरपास बना जाएगा। तो जो मीना बाज़ार के सामने वाला हिस्सा है यहाँ तक जो है पहला मरहला है, दूसरा मरहला ये ब्रिज के नीचे वाला है, और जो तीसरा मरहला है वो हबीब मेडिकल सेंटर के बाद वाला है जो कि मूसा कॉलोनी और जियाउद्दीन चौरंगी वाला है। तीसरे और दूसरे मरहले की बात करूँ तो वहाँ खुदाई स्टार्ट नहीं हुई है, अलबत्ता तीसरे मरहले में ये हुआ है कि वहाँ जो बीच में नाला है उसको ख़त्म कर दिया गया है और उसका जो मिनिमल बदल है वो बना दिया गया है मैगेट शॉपिंग मॉल के पीछे वाली दिल्ली से, और वहाँ बड़ी बड़ी ड्रेनेज लाइन के सिस्टम के हवाले से लाइनें डल चुकी हैं। तो ये तो अपडेट दूसरे तीसरे मरहले की है। पहले मरहले की अपडेट अगर बोलूँ बताऊँ आपको तो पहले मरहले की अपडेट ये है कि काका भवानी चौरंगी से लेकर और UBL से पहले ढाका स्कूल तक जो है पहला मरहला इस तरह बना है कि इसकी बेसमेंट और साइड की दीवारें बन चुकी हैं, बाकी जो मरहला है मीना बाज़ार तक का वो बनना बाकी है। अगर मैं टोटल इसकी वर्क की परसेंटेज निकालूँ तो 30% काम पहले मरहले का हो चुका है और 70% काम होना बाकी है, और जो कि काफ़ी स्लो हो गया है। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बताया 3 मरहले में बन रहा है काका भवानी चौरंगी से लेकर मूसा कॉलोनी तक का ये अंडरपास है, और एक्सपेक्टेड टाइम जो इसका 2 से 2.5 साल है और शायद इससे ऊपर भी जा सकता है, मगर जिस तरह काम हो रहा था शुरू में इलेक्शन से पहले ऐसा लग रहा था कि 6 महीने 8 महीने में ये अंडरपास बन जाएगा। तो होप फॉर दी बेस्ट कि जल्द से जल्द ये काम हो। तो ये है कराची के करीमाबाद के अंडरपास की अपडेट जो कि मैं लेके आया हूँ। कराची के अंडरपास की अगर मैं बात करूँ तो काका भवानी चौरंगी से लेकर हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट से लेकर ये जा रहा है मूसा कॉलोनी जियाउद्दीन चौरंगी तक, 3 मरहले में ये अंडरपास बन रहा है। अंडरपास से जो है मुस्तफीद वो लोग होंगे जो कि नाजमाबाद के रहायशी हैं, जो औरंगी टाउन के रहायशी हैं, जो कि गुलशन इकबाल से टूवर्ड जा रहे हैं नाजमाबाद, गुलशन से जा रहे हैं बफर जोन, गुलशन से जा रहे हैं औरंगी टाउन, तो इनके लिए काफ़ी आसानी वाला मामला है। और इवन के जो लोग नाजमाबाद से औरंगी से नॉर्थ कराची से न्यू कराची से जा रहे हैं हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट, तो अंडरपास को लेते हुए फूड स्ट्रीट जा सकते हैं। अंडरपास के वाले से बात करें तो पहले मरहले में 30% काम हो चुका है। पहला मरहला है काका भवानी चौरंगी से लेकर मीना बाज़ार तक, दूसरा मरहला है ब्रिज के नीचे वाला, तीसरा मरहला है हबीब मेडिकल सेंटर से लेकर मूसा कॉलोनी तक। पहला मरहला जो है उसकी अगर बात करूँ तो यहाँ पेडेस्ट्रियन ब्रिज फिलहाल नहीं बना हुआ, मगर कह रहे हैं कि जो सामने आपको मेडोरा नज़र आ रहा है इससे थोड़ा हम आगे जाएंगे तो सर्विस और बाटा की आपको नाम ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके सामने जो है पूरी छत डलेगी, रोड डलेगा, और जो कि पूरा वो अंडरपास ब्रिज से नीचे होते हुए अभी मेडिकल सेंटर तक जाएगा, और जिसको सामने जाना होगा वो यूटर्न लेते हुए यहाँ से जाएगा और आगे जो रोड खुला हुआ होगा। तो ये अभी तक की अपडेट है करीमाबाद के हवाले से जो कि मैं लेके आया हूँ। साथ साथ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि काम बहुत तेज़ हो रहा था, अभी ईद के बाद से काम बहुत स्लो हो गया है, और
मगर ये बात है कि जो काम हो रहा है वो अच्छी नीयत का हो।